मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर इसके पूर्व हम लोगों ने इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या, तत्पश्चात जो प्रमुख मार्क्सवादी भारतीय इतिहासकार हैं उनमें डीडी कोसाम्बी, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, बिपन चंद्र और इरफान हबीब के इतिहास लेखन के विविध पहलुओं पर हमारी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। आज मैं विशेष रूप से ये बात करना चाहूंगा कि जो भारत के इतिहास लेखन में मार्क्सवादी फेज रहा उसका एक तरह से हम इवेल्युएशन या मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं। डीडी कोसाम्बी ने जो इतिहास लेखन किया वह मार्क्स और एंजेल द्वारा प्रतिपादित सामान्य सिद्धांत को एक पद्धति का उन्होंने रूप दिया तथा भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में एक रचनात्मक ढंग से उसे उन्होंने प्रस्तुत किया या उसका उन्होंने प्रयोग किया। निश्चय ही इससे भारतीय इतिहास लेखन में एक परिवर्तन आया, या हम कह सकते हैं कि कोसाम्बी के इन लेखनों ने एक क्रांति का रूप ला दिया। आर्थिक उत्थान, सामाजिक वर्गों के आधार पर विश्लेषण और व्याख्या भारत में ऐतिहासिक पुनर्घटना के एक मुख्य आधार के रूप में देखे जाने लगे। इतिहास के परिक्षेत्र को राज्य से समाज तक तथा सैनिकों और राजनयिकों से जनसाधारण तक अर्थात मानव जीवन के राजनैतिक पक्ष से आर्थिक और सामाजिक पक्ष तक व्यापक रूप में इतिहास को देखा जाने लगा। साथ ही साथ सामान्य जनों के विशाल वर्ग जो अब तक उपेक्षित माने जाते थे ऐतिहासिक अनुसंधान से वे अब सामने आने लगे। प्रोफेसर आर एस शर्मा की पुस्तक सुद्राज इन एंशियंट इंडिया और इरफान हबीब की पुस्तक द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इसके अच्छे उदाहरण माने जा सकते हैं। और नए प्रतिमान में राजवंशीय इतिहास की लोकप्रियता को एक तरह से कम कर दिया गया और राजनीतिक इतिहास को आर्थिक तथा सामाजिक इतिहास के लिए एक ढांचे या उसे हम कह सकते हैं एक पृष्ठभूमि के रूप में गौण बना दिया। अतीत के प्रति एक आदर्शवादी और एक स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण की बजाय मानव जीवन के आर्थिक और सामाजिक कारक अब महत्वपूर्ण हो गए। इस तरह से इतिहास लेखन के क्षेत्र में जो भौतिकवादी अभिमुखन था वह सामने आया और इसके परिणाम स्वरूप जो प्राइमरी सोर्सेस थे उसका प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। इतिहासकार, भाषा शास्त्री, समाज शास्त्री, मानव शास्त्री, सांख्यिकीविद के रूप में अपने कौशल का प्रयोग करते हैं। यद्यपि अंतर विषय पद्धति का बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया नहीं जा सकता, किंतु विविध विषयों के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े को ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए व्यापक प्रयोग किया जा सकता है। इतिहासकार अब जहां भी संभव हो रहा था वे साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को समन्वित करने का प्रयास करने लगे। उत्पादन की भौतिक शक्तियों की खोज होने लगी जो मार्क्सवादी ऐतिहासिक पद्धति के संदर्भ में केंद्रीय महत्व की मानी जाती है। साथ ही साथ निरंतर पुरातत्वीय साक्ष्यों की दिशा में और विशेषकर प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में इनके प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया गया। साहित्यिक स्रोतों के विपरीत अतीत के भौतिक अवशेष पूर्वाग्रह से पूरी तरह मुक्त हैं या प्रत्यक्ष तात्कालिक या एवं मूर्त साक्ष्य के व्यवस्थित स्वरूप देते हैं
जो अतीत की अत्यधिक सटीक प्रस्तुति में एक तरह से सहायक होते हैं। तो इस तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अतीत के जो तथ्य थे, अतीत के जो सोर्स थे, उनको एक तरह से खंगालने का कार्य किया और जो भारत का आरंभिक इतिहास था उसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए भरपूर मेहनत की, भरपूर श्रम किया। प्रोफेसर आर एस शर्मा की पुस्तक ने पुरातात्वीय साक्ष्यों पर आधारित लेखन का एक तरह से कार्य किया और इन मार्क्सवादी इतिहास लेखन की धारा में मानव संस्थाओं के उद्भव, उसके ओरिजिन से लेकर, विशेषकर कौसाम्बी को हम देखें, आर एस शर्मा को देखें, रोमिला थापर को देखें, तो इन लोगों ने गंगा घाटी में राज्य निर्माण के विवरण को काफी विस्तार प्रदान किया और इसे भौतिक इतिहास, भौतिकवादी इतिहास लेखन की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रोफेसर रोमिला थापर जब वाराणसी में भारतीय इतिहास कांग्रेस 1969 की पे अपना उद्बोधन दे रही थी, उस समय भी उन्होंने सामाजिक इतिहास के क्षेत्र में कार्य करने का एक तरह से आह्वान भी किया था और भारत के इतिहास लेख तुलनात्मक रूप से कम कथनात्मक और वर्णनात्मक तथा अधिक व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक बनाने की दिशा में कार्य हुआ। यह परिवर्तन एक सजग प्रक्रिया रही जिसमें प्रक्रियाओं तथा व्यापक हलचलों ने न कि घटनाओं ने महत्व हासिल कर लिया है। कुछ लोग यह भी मानने लगे हैं कि इतिहासकार की मीमांसा या टीका टिप्पणी करने की स्वतंत्रता को सैद्धांतिक आधार पर उचित ठहराया गया है। इस तरह मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने निश्चय ही भारतीय इतिहास लेखन को बहुत हद तक प्रभावित करने का कार्य किया। डीडी कौसाम्बी ने भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो प्रयोग एशियाटिक उत्पादन पद्धति की अवधारणा थी उसको पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। सामान्यतः मार्क्सवादी इतिहासकारों ने यह दर्शाने का यथा साध्य प्रयास किया कि ईसा से पूर्व छठवीं शताब्दी से गुप्त काल तक नगरीय केंद्र बड़ी संख्या में अस्तित्व में रहे और व्यापक वाणिज्यिक गतिविधियां होती रही। रोमिला थापर ने प्राचीन भारत में व्यावसायिक और क्षेत्रीय प्रादेशिक दोनों ही दृष्टियों से तुलनात्मक सामाजिक गतिशीलता के प्रचलन की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने आर्य प्रजाति के सिद्धांत और प्राच्य निरंकुशता की संकल्पना की तीव्र आलोचना की है। इस तरह इतिहास लेखन में हम पाते हैं कि शायद अपरिहार्य रूप से कुछ निष्कर्ष परस्पर एक दूसरे से थोड़े बहुत मिलते जुलते हों या पूरी तरह अनुमान पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन कौसाम्बी ने यह अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से अवगत नहीं थे और सिंधु के तटों पर पटरे से खेती की गई थी, लेकिन बाद के मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से परिचित थे। इस तरह रोमिला थापर ने जो लेटेस्ट साक्ष्य के आधार पर यह तर्क दिया कि आर्यों के पूर्व का जो समुदाय था उनको खेती का ज्ञान था और हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के काल के दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि हल के लिए अधिक सामान्य शब्द जिसका वैदिक साहित्य में प्रयोग हुआ है का इसका उद्भव अनार्य मूल से हुआ है ऐसा माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोफेसर आर एस शर्मा और प्रोफेसर रोमिला थापर दास्ता के प्रति भी अपने दृष्टिकोण में एक दूसरे का पूर्णतः
खंडन करने की सीमा तक अंतर दर्शाते हैं। प्रोफेसर आर एस शर्मा कहते हैं कि अभिनव धर्म ने ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी की नई सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ को समझा और इसीलिए व्यापार की सुविधा प्रदान करने के लिए महाजनी को तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए दास रखने की प्रथा का समर्थन किया। किंतु रोमिला थापर कहती हैं कि बौद्ध धर्म ने दासता को मान्यता नहीं दी। तो इस तरह दोनों की के विचार थोड़े पृथक हमें यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। डीडी कोसाम्बी और उसके बाद आर एस शर्मा और अन्य विद्वानों ने बौद्ध और जैन धर्मों द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धांत की एक आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की है। वैदिक रीति रिवाजों द्वारा बड़े बड़े पैमाने पर पशुवध का निर्देश दिया गया है, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र जहां लोहे के हल से खेती, पशुधन के संरक्षण और वृद्धि के बारे में बताया गया है या अभिनव कृषि प्रणाली के बारे में बताया गया है, उसके बारे में कौसाम्बी लिखते हैं कि माल मवेशी और पशु बिना किसी भुगतान के बड़ी संख्या में यज्ञ के लिए लाए जाते थे। इन राजसी अग्नि आहुतियों को पाली कथाओं द्वारा दर्शाया जाता है। नियमित कृषि पर असहनीय दबाव था। ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में बौद्ध और जैन धर्म का जो सुधार आंदोलन हुआ उसने पशुवध और गोमांस के सेवन को वर्जित घोषित करके इस ब्राह्मणवादी चलन को एक तरह से समाप्त कर दिया। यदि पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते तो यह विश्वास कर पाना कठिन है कि इतनी बड़ी संख्या में राजसी यज्ञ आहुतियों में पशुओं का वध हुआ कि गाय बैलों की पूरी आबादी का उन्मूलन हो गया होता। क्या राजसी यज्ञों और आहुतियों के आयोजनकर्ता इतने कम बुद्धि वाले थे या दृष्टिहीन थे कि वे उत्पादक पशुओं का वध करने के लिए आमदा हो गए? यह एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा होता है। लगातार बढ़ती आहुतियों में अधिकाधिक संख्या में पशुओं का वध, इसने समय समय पर कटे हुए मांस के त्यक्त परिमाण, जिन्हें देवता नहीं खाते हैं, को बढ़ावा दिया होगा और गोमांस को असाधारण रूप से शेष मात्रा को सड़न से बचाने के लिए ऐसे असंख्य लोगों की आवश्यकता हुई होगी जो उन्हें खा सके। पाली कथाओं में हल्के फुल्के उद्धरण की बजाय यदि उनका अधिक गहन और सटीक उद्धरण सामने आता तो इस बिंदु को शायद स्पष्ट किया जा सकता था। परिणाम स्वरूप वस्तुपरकता के हित में इस तरह के साक्ष्य का एक निश्चित अवधि के दौरान, अर्थात वर्ष में कभी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर राजसी आहुतियों की आवृत्ति को प्रत्येक ऐसी आहुति में मारे गए पशुओं की संभावित संख्या का संकेत भी देना चाहिए। कौसाम्बी एक गणितज्ञ थे। उन्होंने उस व्यू से ऐतिहासिक विश्लेषणों के परिमाणों के महत्व की को रेखांकित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ यदि प्राचीन ब्राह्मणों ने पशुओं का वध नहीं किया तो पशुवध पर जैन और बौद्ध निषेध या वर्जना की क्या आवश्यकता है? किसी भी तरह से यह मानना सुसंगत नहीं लगता कि ब्राह्मणवादियों ने जैन या बौद्ध निषेध का सम्मान किया हो। इस तरह मार्क्सवादी रुझान वाले इतिहासकारों ने सामान्यतः घटनाओं के कहने की अपेक्षा उनकी व्याख्या और टीका पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित किया। अपनी पुस्तक इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री में इरफान हबीब साहब ने इसकी आवश्यकता और महत्व पर विशेष बल दिया है। फिर भी रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने अपने लेखन में एक तरह से यह बताने की कोशिश की है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का समाज या प्राचीन भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था किस तरह की रही और उनके माध्यम से
उन्होंने इतिहास की व्याख्या की है। इस तरह इतिहास को मार्क्सवादी नजरिए से देखने का कार्य विशेष तौर पर भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रोफेसर डीडी कोसाम्बी, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, विपिन चंद्र और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों का नाम मुख्य तौर पर आता है। और इसके पूर्व हम लोगों ने उनकी रचनाओं के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके अध्ययन के बारे में, उनके शोध के बारे में काफी कुछ बात किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या थी उसका चैप्टर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और अगले चरण में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।